हेलो स्टूडेंट्स, तो हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 7 ओमानास जर्नी का कंटिन्यू पार्ट था फ्रॉम द विंडो। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि आफ्टरनून में ओमाना किस तरह से उसने क्या क्या देखा। ठीक है, किस तरह से जो सीन था बाहर का वो चेंज हो चुका था। वहाँ बाहर बहुत सारे कोकोनट ट्रीज और ग्रीन फील्ड पैडी के, ठीक है, वो उसको दिख रहे थे। ठीक है, और जो लोग उसके साथ अहमदाबाद में चढ़े थे वो अपने अपने स्टेशंस पे उतर चुके थे। उसके जो फ्रेंड्स थे सुनील एंड अन, ठीक है, वो भी उतर गए स्टेशन अपने कोझिकोड में। ठीक है, अराउंड 6 o'clock वो वहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने अपने एड्रेसेस चेंज करे। ठीक है, आफ्टर दैट मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, डिफरेंट जो स्टेट्स हैं इंडिया की वहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है। ठीक है, तो मलयालम आई होप आपने कर लिया होगा ये टेबल कंप्लीट। ठीक है, सो मलयालम पता है आपको, केरला में बोली जाती है। ठीक है, कोंकणी गोवा में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात एंड कन्नड़ इन द कर्नाटका। ठीक है, सो आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा। सो नेक्स्ट है, नाउ इट इज़ नाइट, we have also started packing up, the train will reach Kotia in about 3 hours, that is where we have to get off। ठीक है, बोला रात में, अब रात हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और हमने भी अपनी पैकिंग करना शुरू कर लिया कर दी थी और ट्रेन 3 घंटों में कोटियाम में पहुँचने वाली थी और यहीं पे हमें उतरना था। Tonight we will go to वालियामास हाउ, टमोरो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अमुमास विलेज, वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड, आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days, वट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन, वी हैड अ लॉट ऑफ फन, आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ, I will write again after we reach Amuma's house। ठीक है, बोला आज रात हम वालियामास के घर में रुकेंगे। ठीक है, और कल वहाँ से बस लेके अमुमा के विलेज में पहुँच जाएंगे। हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि हम 2 दिनों से ट्रेन के अंदर थे। बहुत कितनी लंबी जर्नी थी ये हमारी। ठीक है, हमने इस जर्नी के दौरान बहुत ज़्यादा मस्ती की। अब मैंने अपनी डायरी साइड में रख दी और मैं बोला ये डायरी अब अमूमा के घर पहुंचने के बाद लिखूंगी। ठीक है, सो व्हाट डू यू कॉल देम। ठीक है, ये रिलेशंस हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होंगे कि आप क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे योर मदर्स सिस्टर, मम्मा की बहन को क्या बोलते हैं, मासी। ठीक है, आंट। नेक्स्ट मदर्स मदर, मदर्स मदर आपकी मैटरनल ग्रैंड मदर होती हैं। ठीक है, नानी माँ। नेक्स्ट फादर्स सिस्टर, पापा की बहन को क्या बोलते हैं, आंट, बुआ। ठीक है, नेक्स्ट फादर्स मदर, वो भी क्या होती है, ग्रैंड मदर। ठीक है, जो मदर के रिलेटिव्स होते हैं उनको हम मैटरनल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैटरनल सिस्टर मतलब मासी, मैटरनल ग्रैंड मदर नानी। ठीक है, या सिंपल आप उनको आंट या ग्रैंड मदर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और फादर्स के, ठीक है, सिंपल आंट एंड ग्रैंड मदर। ठीक है, सो इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।